नमाज के बाद जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने ताकीद की है वो ताकीबात नमाज की, नमाज के बाद पढ़ी जाने वाली दुआएं, किए जाने वाले अज़कार और अंजाम दिए जाने वाले आमाल, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ताकीद की गई है। ताकीबात नमाज ज़ाहिर सी बात है ताकीब अकब से लिया गया है, उसके मानी हैं बाद में आने वाले और पीछे आने वाले। ताकीबात नमाज यानी नमाज के बाद आने वाले आमाल, जिनका जिक्र गरचे मुस्तहबात में से है लेकिन बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। और रिवायत है पांचवें इमाम से कि अगर इंसान एक नमाज के बाद दूसरी नमाज तक ताकीबात नमाज में मशगूल रहे, फ़र्ज़ करें जहर की नमाज अदा की, असर की नमाज तक आप मुसलसल ताकीबात नमाज में मशगूल हैं, दुआ पढ़ रहे हैं, तस्बीह हज़रत ज़हरा की तिलावत कर रहे हैं, आयतुल कुर्सी की तिलावत कर रहे हैं, तो इमाम फरमाते हैं कि गोया वो बंदा खुदा का मेहमान है। ज़ाहिर सी बात है कि इंसान किसी के घर मेहमान जाता है तो मेज़बान उसका एहतराम करता है, इकराम करता है और उसकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करता है। तो ताक़ीबात नमाज का एक फ़ायदा यह है कि ताक़ीबात नमाज के ज़रिए से इंसान खुदा का बंदा बन जाता है। ताक़ीबात नमाज में बहुत सारी चीज़ें, अगर आप मफातिहुल जिनान या दीगर दुआओं की किताबें देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दुआएं, आमाल, अज़कार बजा लाए गए हैं, उसमें से दो तीन का जिक्र इंशाल्लाह हम यहाँ पर करेंगे। एक तो वही दरूद का सिलसिला है, जैसे इन्नल्लाह व मलाइकतहू के ज़रिए से हम पढ़ते हैं नमाज के बाद। समझिए कि मैं अगर बच्चों को समझाना चाहूँ तो पोस्ट दो तरीके से होता है, एक आर्डिनरी पोस्ट होता है जो महीनों बाद भी जा सकता है, हफ्तों बाद भी जा सकता है, एक फास्ट पोस्ट भी होता है ना। तो अगर हमारे आमाल बग़ैर सलवात के हों तो आर्डिनरी पोस्ट है, पता नहीं कब खुदा के पास जाएंगे, लेकिन सलवात की मोहर उस पर लग जाएगी तो भैया वो फास्ट पोस्ट है ना, बहुत जल्दी खुदा उसे कबूल करता है। तो एक ये है सलवात है। दूसरा हमने जो इंतखाब किया है वो तस्बीह है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। दो तीन रिवायात मैंने तस्बीह हज़रत ज़हरा के हवाले से यहाँ पर नोट किए हैं। रावी है अब्दुल्लाह इब्न सनान, ये छठे इमाम इमाम जाफर सादिक, नकल करता है कि अगर इंसान नमाज के बाद तस्बीह हज़रत ज़हरा की तिलावत करेगा तो इमाम फरमाते हैं कि अभी वो मुसल्ले से उठेगा नहीं कि उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, उसकी कोताहियों को खुदा तआला बख्श देता है। एक और रिवायत है, ये भी छठे इमाम ही से है, जिसमें आप फरमाते हैं कि जिस तरीके से हम अपने बच्चों को, अपने अजीज़ों को वाजिब नमाज की दावत देते हैं, वैसे ही साथ साथ हमारी जद्दा फातिमा की तस्बीह की ताकीद भी करते हैं। यानी नमाज पढ़ो तो जिस तरीके से तुम नमाज को तर्क नहीं करोगे वैसे ही तस्बीह हज़रत ज़हरा को भी तर्क ना करो। एक और रिवायत है, ये भी छठे इमाम ही से है, आप फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक 1000 रकात मुस्तहब नमाज पढ़ने से बेहतर है एक मरतबा कामिल जद्दा फातिमा ज़हरा की तस्बीह को पढ़ लेना। न कोई अगर एक मरतबा पढ़ता है तो गोया वो 1000 रकात नमाज से भी बेहतर अमल अंजाम दे रहा है। अच्छा, एक और भी बहरहाल इसमें रिवायतें हैं तस्बीह के हवाले से। बस आखिरी बात में तस्बीह के हवाले से ये अर्ज़ कर दूँ कि ये पांचवें इमाम से
रिवायत है कि तस्बीह खुदा की हमद और खुदा की इबादत का बेहतरीन जरिया है। फिर आगे बढ़कर इमाम फरमाते हैं कि अगर इससे भी अच्छा कोई और तरीक़ा होता तो खुदा बंद आलम फिर उसी तरीके की तालीम हबीब खुदा को देता। तो सबसे बेहतरीन के उनवान से इसका इंतखाब किया है, तो इसका मतलब ये कि खुदा की हमद और खुदा की तारीफ, खुदा के शुक्र के लिए बेहतरीन तरीक़ा ये तस्बीह है, जिसे हम तस्बीह हज़रत ज़हरा के नाम से याद करते हैं। एक और मुस्तहब अमल आयतुल कुर्सी है, जिसे हम लोग मामूलन बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। हम लोग बहरहाल खुली खुली बात यह है कि बस नमाज ख़त्म हुई तो निकलो कि हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम है ना, हैं ज़रूर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम खुदा के लिए दो मिनट भी नहीं दे सकते। तो आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, दो तीन रिवायतें मैं तबरुकन आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहला ये कि रिवायत में है, अगर इंसान सुबह सवेरे या नमाज के बाद हो या नमाज से पहले एक मरतबा तस्बीह इस आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है तो खुदावंद आलम उसे दिन भर की मुसीबतों से नजात देता है, है ना। एक छोटा सा फ़ायदा यह है। और एक आयतुल कुर्सी का फ़ायदा देखिए, किसी ने रसूल खुदा से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने मोमिनीन की कब्रों पे जाता हूँ कब्रिस्तान में। अब जाहिर सी बात है कि हर मुर्दे के पास तो मैं एक अमल नहीं बजा ला सकता, हर रिश्तेदार के पास बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, अजीज होते हैं, जान पहचान के लोग होते हैं, कोई ऐसा अमल बताइए कि वो एक ही अमल के ज़रिए से मैं पूरे कब्रिस्तान में मौजूद मरहूमीन को हदिया कर सकूं, सवाब पहुंचा सकूं। तो पैगंबर फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि पूरे मरहूमीन को हदिया करना चाहो तो याद रखो आयतुल कुर्सी की तिलावत करो, ना फ़कत ये कि तुम जिस कब्रिस्तान में जाते हो बल्कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी कब्रिस्तान होंगे, मोमिनीन दफन होंगे, उन सब के लिए नियत करोगे तो वो आयतुल कुर्सी का सवाब हर मरहूम तक चला जाता है। एक सिंपल नुस्खा है। फिर पैगंबर फरमाते हैं इतना ही नहीं कि तुम हदिया करोगे तो सिर्फ मरने वालों को उसका सवाब जाता है, बल्कि याद रखो तुम अगर आयतुल कुर्सी की तिलावत करोगे तो आयतुल कुर्सी के हर हर्फ के बदले तुम्हारा एक गुनाह माफ कर दिया जाता है, एक नेकी तुम्हारे नाम आमाल में लिखी जाती है। इससे अच्छा होना क्या अंतर है ना, बेहतरीन अमल है। अच्छा, और देखिए एक ये तो मुझे खुद हैरान कर देने वाली बात आयतुल कुर्सी की फजीलत के हवाले से कि एक बार पैगंबर इस्लाम अपनी हयात बाबरकत के आखिरी अय्याम में परेशान थे, निगरान बैठे हुए थे, जिब्राइल आया और कहा या रसूल अल्लाह आप परेशान हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हैं, आपकी पेशानी से परेशानी के आसार नुमाया हैं। तो पैगंबर फरमाते हैं कि हाँ जिब्राइल मैं परेशान हूँ, लेकिन ये परेशानी मेरे लिए नहीं है, ये मेरी उम्मत के लिए है कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, है ना, अगर वो खुदा न खास्ता गुनाहों का मुर्तकिब हो जाएगी और खुदा न खास्ता उन्हें जहन्नम जाना पड़ेगा तो मैं क्या करूँ, मेरी उम्मत है, उम्मत के बाप रसूल हैं, एक बाप का औलाद का दर्द तो होता ही है। तो जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह आपके ज़रिए से आपकी उम्मत तक पैगाम पहुंचा दीजिए। क्या कहा कि जो भी पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है तो एक फ़ायदा ये कि खुदाबंद आलम मलकुल मौत को हुक्म देता है कि उसकी रूह वैसे कब्ज़ की जाए किसी पैगंबर की रूह को कब्ज़ किया जाता है। दूसरा फिर ये कहते हैं या रसूल अल्लाह आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी उम्मत के लिए बेहतरीन तोहफा है परवरदिगार की तरफ से कि कोई भी आपका उम्मती आयतुल कुर्सी का पाबंद हो जाए हर नमाज के बाद तो जिब्राइल कहते हैं कि दुनिया से जब वो उठेगा तो एक
कदम उसका कब्रिस्तान में होगा तो दूसरा कदम जन्नत में होगा, है ना। जन्नत आयतल कुर्सी तिलावत करने वाले के लिए एक कदम के फासले पर है, तो कब्र से कदम उठाएगा तो वो सीधे जन्नत में जाएगा। और एक रिवायत, अब जितनी रिवायतें मैंने बयान की हैं आप हवाला मुझसे मांग सकते हैं। अब ये जो रिवायत बयान कर रहा हूँ ये अल्लामा अली रज़ा रज़वी साहब से सुना हुआ है, ये बहरहाल एक मोतबर आलिम दीन से, तो बहरहाल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लामा अली रज़ा रज़वी साहब नकल करते हैं कि आयतुल कुर्सी के फवायद, अगर कोई इंसान सुबह एक मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है तो खुदा बंदे आलम एक फरिश्ते को उसकी हिफाजत के लिए भेज देता है, दो मरतबा पढ़ता है तो दो फरिश्तों को उसकी हिफाजत के लिए भेजता है, तीन मरतबा पे तीन, चार मरतबा पे चार, जब पांच मरतबा पढ़ता है तो खुदा बंदे आलम बोलता है फरिश्तों को वापस आ जाओ। क्यों? इसलिए नहीं कि खुदा ये कहता है वो पढ़ता गया तो मैं कहां से फरिश्ते लेके आऊं, है ना, इसलिए नहीं। ये अजमत देखिए आयतुल कुर्सी की, ये नकल करते हैं कि अगर कोई इंसान पांच मरतबा रोजाना आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है तो खुदा बंदे आलम कहता है ऐ फरिश्तो तुम वापस आ जाओ, अब उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, मैं उसकी हिफाजत कर सुबान। ये आयतुल कुर्सी के फायदे हैं जो बहरहाल मुस्तहबात में से है और इसकी ज्यादा से ज्यादा ताकीद की गई है। बाकी दो चार और मुस्तहबात हैं, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कल उसे पेश करने की कोशिश करेंगे। खुदा बंदे आलम हम सब को सही मानों में मारिफ अहले बैत समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله